हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मोबाइल में ऐसा सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ को कि आप देखकर चौंक जाएंगे। ऐसा सेटिंग जो किसी ने कभी बताया नहीं होगा, कभी भी, जो आपको मालूम ही नहीं होगा। अपने मोबाइल का फॉन्ट कैसे बदल सकते हैं, अपने मोबाइल का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, कलर कैसे लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन पे राउंड कैसे कर सकते हैं, एस्केप कैसे कर सकते हैं, आज इसी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और लास्ट तक देखिएगा तब समझ में आएगा कि मैं आज क्या बताने वाला हूँ, अपने मोबाइल का सेटिंग कैसे करते हैं, ये सब के बारे में आज मैं बताऊंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि ऑटोमेटाइजेशन को क्या होता है, जो मोबाइल में दिया हुआ है फंड कैसे चेंज कर सकते हैं, एप्लीकेशन का छोटा या बड़ा कैसे करते हैं, आज इसी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर मेरा चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल का सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं वीडियो चालू करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कैसे वो करते हैं। सबसे पहले मैं मोबाइल के स्क्रीन पे चला जाऊंगा और आज मैं ये मोबाइल में बताने वाला हूँ आप लोगों को सब कुछ कि कैसे वो फॉन्ट या चेंज करते हैं। चलो मैं चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, चलो मैं वीडियो चालू कर लेता हूँ। और दोस्तों जैसा कि मैं बताया, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलता हूँ और बताता हूँ सबसे पहले आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आप चले जाएंगे सेटिंग में, जो आपके मोबाइल में ऐसा होगा सेटिंग, उस सेटिंग पर चले जाएंगे, सेटिंग को चालू कर लेंगे। चालू करने के बाद सबसे नीचे आप कनेक्ट एप सीरी के नीचे आएंगे, पर्सनलाइजेशन इस पर टच करेंगे। करने के बाद देखेंगे यहाँ पर 3-4 दिया हुआ है, जो यहाँ से आप थीम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं, जो कि मेरा ये थीम है, यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं, कोई भी थीम लगा सकते हैं। लॉक स्क्रीन पर, आइकन्स पर, होम स्क्रीन पर, जो आपको मन करे आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको मन में नहीं है तब ओपन द स्टोर में जा सकते हैं, वहाँ से नीचे दिया हुआ स्टोर में जाकर आप कोई भी थीम लगा सकते हैं। और दूसरा है दोस्तों आइकॉन स्टाइल, आइकॉन स्टाइल जो मैंने बताया था कि अपनी एप्लीकेशन का आइकॉन स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। और अच्छा के लिए देखो यहाँ पे आइकॉन स्टाइल चेंज करने के लिए डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। ये मटेरियल स्टाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, जो इसमें कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये देख लिए, ये वाइट वाइट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको ये अगर वाइट वाइट ये दिख रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे जो बिंदु किया हूँ वो वाइट वाइट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कीजिएगा तो हट जाएगा। देखिए यहाँ से व्हाइट व्हाइट अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मैं यही रहने देता हूँ। और यहाँ से आप एप्लीकेशन का फॉन्ट बड़ा या छोटा कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे ऐप नेम आप साइज का कर सकते हैं बड़ा या छोटा, जैसे आपको मन करे, या पूरा हटा सकते हैं, क्योंकि हटा सकते हैं तो नहीं समझ में आएगा कौन सा एप्लीकेशन किस चीज़ का है, तो इसको फॉन्ट थोड़ा छोट कर लेता हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। पेबल, आप पेबल कर सकते हैं आइकन देखकर, पेबल यहाँ से ये देख सकते हैं कि बड़ा छोटा कैसे हो रहा है, आप भी यहाँ से कर सकते हैं। ये पूरा हो गया, पूरा छोटा ही हो गया लास्ट तक, यहाँ से आप इसको नेम को चेंज कर सकते हैं बड़ा या छोटा। पेबल में मैं इतना ले लेता हूँ, अगर आप कस्टम लगाना चाहते हैं, दूसरा अपने मन से लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, कस्टम में राउंड है, ये वाला है ऐसे लगा सकते हैं,
ये चार कोना वाला है, ये गोल का है, ये चौरठ है। आप लगा सकते हैं यहाँ से, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। चलो मैं इतना ही कर लेता हूँ और इतना ही। चलो ये हो गया। और ये प्ले बोर्ड, यहाँ से ये प्ले बोर्ड लगा सकते हैं अपने मोबाइल पे, जो आप आसानी से कर सकते हैं। और अपने मोबाइल का यहाँ से जो भी कलर लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। एप्लीकेशन का कलर है सिंगल कलर, कलर चेंज, यहाँ से कोई भी कलर आप लगा सकते हैं। देख सकते हैं कि मेरा एक कलर बदल रहा है यहाँ पर, जो ये कर रहा हूँ तो ये देख रहे हैं, हरा, लाल, पीला, ब्लू, आसमानी, जो भी है कलर वो चेंज होता जा रहा है। यहाँ से देख लीजिए, ये अगर एक कलर का रखना चाहते हैं तो नीचे यहाँ से करके यहाँ नीचे अप्लाई कर दीजिएगा। ऐसे अप्लाई मेरा हो गया। अगर आपने मोबाइल का फंड बदलना चाहते हैं तो देख लीजिए, नीचे यहाँ पे है फंड बदलने के लिए, रियल चॉइस मोर पर जाकर और देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा फंड होगा क्योंकि मेरा यहाँ का वाईफाई बंद है दोस्तों, इसीलिए शायद वाईफाई प्रॉब्लम बता रहा है, क्योंकि वाईफाई ख़राब हो गया इसीलिए। रोबोटो कर सकते हैं यहाँ से, और ये बढ़ा सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो आटा बेट चालू कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, और यहाँ से साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कैसे ये बड़ा है और छोटा हो रहा है, आप भी कर सकते हैं। और करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। ईमेल नेम aindurai.com। डिस्प्ले साइज अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर दीजिएगा, यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते। देख लीजिए, ये छोटा या बड़ा डिस्प्ले साइज हो रहा है, और यहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा ऐसे। रोबोटो में करना चाहते हैं तो ये देख लीजिए कितना बड़ा या छोटा हो रहा है। और यहाँ पर डेयर नोटिफिकेशन ड्रॉल, आप यहाँ से इसको नोटिफिकेशन जो ऊपर से ऐसे घिसते हैं ये दिखाता है जितना एप्लीकेशन, तो यहाँ से शॉर्ट में ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं, जो कि थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। रोज़ रोज़ नए नए वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा।